कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपद्रव के बाद अब पुलिस जुल्म कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस और प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदला लेने के बयान के आधार पर कार्यवाही कर रहा है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा और कहा कि वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं जो हमें शांति और करुणा सिखाता है, बदला लेना नहीं। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग और डीजीपी द्वारा तुरंत आदेश जारी करके पुलिस और सरकार द्वारा किए जा रही हिंसात्मक गैर कानूनी और आपराधिक कार्यवाही का तुरंत रोका जाए। मौजूदा हाईकोर्ट जज या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी की शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगाए गए मुकदमों की सत्यता और वैधता तत्काल निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए बिना संपत्तियों को सील करने, संपत्ति जब्त करने और अन्य दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी जो निर्दोष हैं, उन पर किसी तरह की एकेडेमिक और कानूनी कार्यवाही नहीं की जाए। ये हमारी चार मांगे हैं।